हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन में कितना पीस एक घंटा में निकलता है, कितने एचपी का उसमें मोटर होता है, कितना बिजली उसमें लगता है, ये सारा डिस्कस करेंगे। और भी इस वीडियो में जानकारी हम आपको देंगे कि इसमें क्या क्या कैसे किया जाता है। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस पे हम बहुत ही अभी नया नया वीडियो डाल रहे हैं, तो इसलिए खास करके इसे सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, क्योंकि एक से एक जानकारी हम इस चैनल पे देते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हाइड्रोलिक मशीन जितना देखने में अच्छा होता है, जितनी इसकी क्वालिटी दिखती है मशीन में, उतना ये काम नहीं करता है। क्योंकि हम मशीन को चला चुके हैं और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है हाइड्रोलिक मशीन उनके लिए बेस्ट है जो इस काम में पहले से हैं, जिनके पास अच्छा खासा मार्केट है और जिनको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का ऑर्डर आता है, यानी फैंसी आइटम का ऑर्डर आता है, उन बंदों के लिए हाइड्रोलिक मशीन बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए हाइड्रोलिक अच्छा साबित होगा या नहीं, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यदि आपको इन सारी चीज़ों को जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो आप अपने आप समझ आइएगा कि आपको हाइड्रोलिक लगाना चाहिए या नहीं। तो पहले हम इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं कि इस मशीन में प्रोडक्शन कितना होता है। यदि आप इस मशीन की बात करें तो प्रोडक्शन आपको घंटे का मात्र 500 पीस मिलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। यदि कोई कहते हैं कि 500 से ज़्यादा मिलता है, तो भाई साहब मेरे पास भी हाइड्रोलिक है, वो आके हमें चला दें और दिखा दें कि 500 से ज़्यादा। लोग बोलते हैं मशीन बेचने वाले कि 800 निकलता है, 1000 निकलता है, 1200 निकलता है। हम एक रोल की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आप बोलो कि 4 रोल लगा लो, 3 रोल लगा लो, समय उतना ही ख़राब होता है। अगर यदि हम 3 रोल भी लगाते हैं मशीन पर या 2 रोल भी लगाते हैं मशीन पर, तो उसमें भी दिक्कत होता है। उसमें क्या दिक्कत होता है, ध्यान से आप सुनो। यदि हम एक सिंगल डाई पे या फिर डबल डाई पे हम यदि 2 पीस लगाते हैं रोल, अगर सिंगल डाई हम लगा रखे हैं थाली का, मान लो 13 इंच का, और उसमें 2 या 3 हम रोल चला रहे हैं, एक बार में 3 पीस निकल रहा है, तो 500 स्पीड है तो 1500 थाली निकल जाएगा, ये तो मानते हैं। लेकिन उसके पीछे एक लड़का और हमें लगाना पड़ेगा, ये तो एक आपको बता रहे हैं, पूरा गिनवाएंगे हम, देखते जाइएगा कि कितना इसमें क्या करना होता है। एक लड़का अलग से हम क्यों लगाएंगे कि जब हम 3 पीस 4 पीस निकालते हैं एक बार में, तो उसे छुड़ाना पड़ता है। अगर यदि आप उसे नहीं छुड़ाते हैं तो दुकानदार आपसे माल नहीं लेगा, वो उसके पास शिकायत आता है, क्योंकि 4 पीस जब एक बार प्रेस होगा तो साइड से पेपर मुड़ता है, जब ये गुलाई होता है थाली का जो राउंड लेता है, वहाँ पे सारा थाली आपस में चिपक जाता है। तो कोई भी उसको जब लेगा अपने यहाँ, जब यूज करेगा तो एक एक पीस छुड़ा के नहीं करेगा, उसका शिकायत आता है, तो वो दुकान के पास शिकायत करता, दुकानदार फिर आपके पास करेगा। यदि हम 3 रोल चलाते हैं एक डाई पे, तो भी प्रॉब्लम है। और क्रैंक में हम अगर चलाते हैं एक रोल, तो उसी में 1500 पीस निकल जाता है। तो यदि हम हाइड्रोलिक में 3 पीस 4 पीस निकालते हैं तो ये चिपकने वाला तो आप देख ही लिए, तो कहाँ से कोई कहता है कि 1500 पीस निकलता है घंटे में हाइड्रोलिक में, क्योंकि 1500 निकालने के लिए प्रॉब्लम। दूसरा एक ये भी प्रॉब्लम होता है उसमें चिपकने के साथ साथ, वो फिनिशिंग नहीं होगा। अगर आप 3 पीस 4 पीस निकालते हैं तो थाली में उतना हार्डनेस नहीं आएगा जितना होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वालिटी खोजता है, और अगर 4 पीस हम काटेंगे तो क्वालिटी वहीं ख़त्म हो जाता है थाली का। तो इसलिए इसमें जो भी है देखा जाए तो मात्र घंटे का 500 पीस निकलता है एक एक पीस चलाते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं हम मोटर की, कि कितना इसमें मोटर होता है, कितने एचपी का। तो हाइड्रोलिक मशीन में 2 एचपी का मोटर होता है, जबकि करेंक में सिंगल एचपी। इसमें 2 एचपी का मोटर होता है तो बिजली का बिल भी जो है हमारा इसमें डबल लगता है, यानी घंटे का 2 यूनिट लगता है। 2 से प्लस ही लगेगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि 2 एचपी का मोटर है तो 2 यूनिट लगेगा। अगर यदि आप 10 घंटा चलाते हैं तो आपको 20 यूनिट बिजली का बिल जो है इसमें यूज होगा।
तो हम आपको मोटर कितना लगता है ये भी बता दिए, बिजली कितना लगता है ये भी बता दिए, और आपको कितना प्रोडक्शन निकलता है ये भी बता दिए। एक चीज़ में इम्पोर्टेंट बात है, वो भी हम आपको बताते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि यदि आप हाइड्रोलिक मशीन लगाते हैं तो आपको इसके लिए स्टेबलाइजर भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि 220 पे ये चलेगा भी नहीं। इसके लिए आपको 235-240 वोल्टेज होना चाहिए, तो ही जाके ये लोड उठा पाएगा, क्योंकि ये प्रेशर मशीन हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, इसके लिए 240 वोल्टेज होना चाहिए। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंटेनेंस भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। बाय द वे, अगर आपका इसका हाइड्रोलिक मशीन आप लगाते हैं उसमें अगर पाइप लीक हो गया तो वो भी महंगा आता है। इसमें 2-3 पाइप होता है, प्रेशर पाइप होता है, सिलेंडर होता है, और जहाँ से तेल हम लोग भरवाते हैं टंकी में वो होता है। इसमें एक और भी मेंटेनेंस होता है कि जैसे ही आप मशीन लेते हैं तो 90,000-95,000 का मशीन पड़ता है। उसके बाद इसमें आपको 30-40 लीटर का टंकी भी होता है हाइड्रोलिक ऑयल, वो भी आपको बहुत ज़रूरी है डलवाना, वो कोई कंपनी डाल के नहीं देता है। तो ये आपका मेंटेनेंस हो गया, तेल भी डलवाना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ भी फॉल्ट आया तो आपको बिना टेक्नीशियन का कुछ नहीं कर पाओगे आप, आपके बस का नहीं कर पाओगे आप, इसमें टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए यदि आप मेंटेनेंस ज़्यादा करते हैं इसमें, तो इसके लिए आपको क्या बनाना है तो आपको ये मशीन लगाना है। जैसे आपको रिंकल प्लेट बनाना है तो आप हाइड्रोलिक लो, डायमंड प्लेट बनाना है तो आप हाइड्रोलिक लो, बफर बनाना है तो हाइड्रोलिक लो, ट्रायंगल प्लेट बनाना है तो हाइड्रोलिक लो, आइसक्रीम वाला बनाना है तो हाइड्रोलिक लो। यानी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का आपको बनाना हो, फैंसी आइटम बनाना हो, तो ही आप हाइड्रोलिक का इस्तेमाल करें, वरना ना करें। बाकी आप अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन हमारे हिसाब से नए बंदों के लिए हाइड्रोलिक तो जहर का समान होता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।